हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं तिरंगा इडली की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये तिरंगा रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसमें हम एक कटोरी रवा डालेंगे, तो मोटी वाली रवा होनी चाहिए। तो हमने जिस कटोरी से रवा लिया है उसी कटोरी से हम छाछ डालेंगे, तो यहाँ पे हम दो कटोरी छाछ डालेंगे। और साथ में हम टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल देंगे। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। छाछ के साथ अपनी रवा जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी। 20 मिनट हो चुके हैं, हम बेटर को चेक करेंगे। तो हम ढक्कन को हटा लेंगे। आप ध्यान से देखिए, अपनी रवा जो है फूल के थोड़ा ज्यादा हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी एकदम परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने इडली मेकर में 1 लीटर पानी डाल के उबलने के लिए रख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इडली ट्रे को ग्रीस करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा तेल लेंगे और इसे ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होता है, अपनी इडली जो है वो चिपकती नहीं है, निकालने में बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो ऐसे ही हम बाकी के ट्रे भी ग्रीस कर लेंगे। हमने ट्रे ग्रीस कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस बैटर में डालेंगे ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे। और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे हम 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 पैकेट इनो फूड सॉल्ट डालेंगे और इसे हम एक ही डायरेक्शन में ऐसे मिक्स कर लेंगे। इनो डालने के बाद अपनी बैटर जो है वो फूल जाती है। अब हम इसे इक्वल मात्रा में 3 जगह डिवाइड करेंगे। तो हम छोटे छोटे 2 बॉल लेंगे और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा बैटर अलग कर लेंगे। तो ये एक हिस्सा और इसमें हम थोड़ा सा ये ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक कटोरी को हम ऐसे वाइट ही रखेंगे और दूसरे में हम कैरेट घिस के डालेंगे। यहाँ पे आप कैरेट जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन घिसा हुआ कैरेट का स्वाद मुंह में बहुत सुंदर आता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कैरेट घिस के डाला है और कलर को हमें ऑरेंज थोड़ा करना है तो हम इसमें 1 फीच फूड कलर डालेंगे। एक ऑरेंज फूड कलर है तो इसको हम डाल के और मिक्स कर लेंगे। कलर ज्यादा नहीं डालना है, हमें तो नेचुरल कलर ही पसंद है, लेकिन इसे हम राष्ट्रीय दिवस पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा कलर यूज किए हैं, बिल्कुल जरा सा। अब हम इसे भी साइड कर देंगे। अब दूसरी बॉल में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम कलर देने के लिए 1 पिंच फूड कलर डालेंगे। हमें ज्यादा मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल 1 पिंच कलर हमें डाल के और इसे मिक्स कर लेना है। तो हमने तीनों बैटर तैयार कर लिया है। अब हम एक इडली ट्रे लेंगे और इसमें हम सबसे पहले व्हाइट वाला बैटर भरेंगे। तो जैसे आप सबको पता है, मोल्ड में हम थोड़ा कम कम ही बैटर डालेंगे क्योंकि इडली फूलने के बाद ऊपर तक आ जाती है। अब हम दूसरे ट्रे में ग्रीन कलर का पेस्ट डालेंगे, तो हमें 2-2 चम्मच ही डालना है। ग्रीन वाला ट्रे हम साइड कर देंगे। अब हम
तीसरे ट्रे में ऑरेंज कलर का बैटर डालेंगे, तो इसमें भी हम दो दो चम्मच डाल देंगे। ट्रे हमने रेडी कर लिया है, अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो हम एक कपड़ा के हाथ से ढक्कन को हटा लेंगे, क्योंकि ढक्कन बहुत गर्म है। अब ध्यान से देखिए, पानी में उबाल आ चुका है। तो सबसे पहले हम व्हाइट वाला ट्रे शिफ्ट करेंगे, ग्रीन कलर का ट्रे शिफ्ट करेंगे, ऑरेंज कलर का। अब हम इसे कवर करके 20 मिनट तक तेज फ्लेम पे उबालेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक बार इडली को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ढक्कन को हटा लेंगे। अब ध्यान से देखिए कितनी अच्छी अपनी इडली फूली हुई है। अब हम एक टूथपिक लेंगे और इडली को चेक करेंगे। तो ऐसे हम बीच बीच में गोंद के और टूथपिक चेक करेंगे। बैटर बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसका मतलब अपनी इडली जो है वो पक चुकी है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे ऐसे ही ठंडा होने देंगे। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो आप ग्रीन वाला भी देखिए अच्छे से फूल चुकी है, व्हाइट वाला भी इडली फूल चुकी है। तो इसे हम और ठंडा करेंगे, बाद में हम डिमोल्ड करेंगे। अब हम इडली को डिमोल्ड करेंगे। तो हम इस स्पून को पानी से थोड़ा सा गीला कर लेंगे और इसे ऐसे हम चम्मच के सहारे घुमाते हुए निकाल देंगे। ये बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाता है। इडली की हमने प्लेटिंग कर ली है। आप ध्यान से देखिए कितनी मस्त तिरंगा इडली दिख रही है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी है और बच्चे तो इसे बड़ी मौज से खाते हैं, क्योंकि ये तिरंगा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी तिरंगा इडली की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।